शीतल का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ अत्रा सा नवरात्रि, मतलब भगवान को नैवेद्य रखते हैं उसको। अभी देखिए, आइए चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। आइए, अत्रा सा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देखते हैं हम लोग। मैंने 3 केला लिया है, फिर इसमें 250 ग्राम्स गुड़ लिया है, सेम 250 ग्राम्स नारियल लिया है, इसमें 2 कप चावल लिया है, फिर 1 टेबल स्पून तिल है, काला तिल लिया है, फिर इसमें छोटा स्पून नमक लिया है। अभी इसको साथ में पूरा साथ में मिला के मिक्सी में डाल देंगे। तिल को छोड़ के बाकी सब एक साथ में पीसूंगी मैं। चावल को मैंने 4 घंटा भिगो कर रखा है, ये सफेद चावल है, इसको अभी मिक्सी में डाल दूंगी। आपको नहीं चाहिए तो आप चावल और नारियल को पहले पीस के उसका साथ में बाद में थोड़ा बाद में गुड़ भी डाल सकते हैं, नहीं तो साथ में भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी 3 केला डालूंगी, फिर उसका साथ नारियल भी। इसका साथ में डाल दूंगी और नमक, 1 स्पून नमक डाल दूंगी। अभी इसको मिक्सी ग्राइंड करेंगे हम लोग। अभी इसको थोड़ा सा पानी डालूंगी, मतलब आधा ग्लास। अभी इसमें 1/2 स्पून हल्दी डालूंगी। अभी वापस इसको ग्राइंड करना है हमें। अभी बैटर रेडी हो गया है, देखिए अभी इस बर्तन में निकाल दूंगी मैं। पढ़ने नहीं सो कुर्त हो जाना। देखिए इसमें एक एक टीस्पून तिल है, काला तिल लिया है, इसको इसमें डाल देती हूँ। अभी इसको मिक्स करके हम लोग आधा घंटे के लिए मैं ऐसे रख देती हूँ, बाद में इसका अत्र सा बनाएंगे। देखिए बैटर ऐसे है, इतना गाढ़ा चाहिए हमें, ज़्यादा पतला हो गए तो ऑयल में पूरा पिघल जाता है। ये बैटर आधा घंटा रख के रेडी है। अभी इसको मिक्स करके हम लोग ऑयल में डालना है। अभी कढ़ाई रख के उसमें ऑयल गरम है। ये इसको उल्टा करती हूँ मैं। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई करेंगे। अभी देखिए अत्रा सा रेडी है। देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट फ्लफी फ्लफी बन गया है। देखिए अत्रा सा रेडी हो गया है। आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।